आज के लेसन में बताया हूँ श्री कृष्णा की थीम ट्यून को बंसी में कैसे आसानी से बजा पाएंगे, इसका ऊपर एक सुंदर सा ट्यूटोरियल क्लास है। अब जितना भी बिगनर हो या इंटरमीडिएट हो, सिर्फ आपको सारे गामा पाधा निसा ये बजाना आना चाहिए, सरगम बजाना आना चाहिए। इस लेसन में मैं जो अलंकार दिया हूँ, जो क्राफ्ट दिया हूँ, इसे आप प्रैक्टिस करने के बाद मैं गारंटी देता हूँ आप श्री कृष्णा की इस ट्यून को आप बंसी में आसानी से बजा पाएंगे। ये ट्यूटोरियल का स्टार्ट करने से पहले आइए मैं मेरा परिचय देता हूँ। प्रणाम, मैं हूँ प्रदीप कुमार पाई, संबलपुर जिला उड़ीसा के निवासी, बंसी का एक छोटा सा कलाकार जो आपको बंसी वादन सिखाने की दुस्साहस करता है। अगर गलती से भी कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिए। स्वागत करता हूँ मेरे और आपके इस चैनल प्रदीप कुमार पाई द म्यूजिक पर, जहां पर मिलता है म्यूजिक का रिलेटेड कई सारे लर्निंग वीडियो, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। अगर आप म्यूजिक में रुचि रखते हैं, संगीत में इंटरेस्ट रखते हैं, बंसी वादन शिक्षा करना चाहते हैं, कीबोर्ड हारमोनियम ये बजाना सीखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए, पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और साइड में है बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं नया वीडियो पोस्ट करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। दोस्तों आज की लेसन में हम सीखेंगे श्री कृष्णा की थीम ट्यून बंसी में कैसे आसानी से बजा पाएंगे। ये आपके साथ डिस्कस करने के लिए मैं स्केल लिया हूँ जी शार्प के और फ्लूट भी लिया हूँ जी शार्प के। मैं हमेशा मेरे इस चैनल में बोलता हूँ, कुछ भी बजाने से पहले, कुछ भी प्रैक्टिस करने से पहले हमें सा को प्रैक्टिस करना चाहिए। देखिए ये मेरा फ्लूट है जी शार्प के, हम जी शार्प की ट्यून को तानपुरा में बजाएंगे, तानपुरा के सुर के साथ ये सा इसको मिलाएंगे। देखिए कैसे, ऐसे मिलाएंगे जी शार्प के सुर को तानपुरा के सुर के साथ। अब देखते हैं श्री कृष्णा की थीम ट्यून। बताऊंगा इसका नोटेशन, पानी सानी सानी पानी सानी सानी पानी सानी पानी सानी सानी पानी सानी सानी पानी सानी पानी सानी सानी पानी सानी सानी पानी सानी, इसको दो बार हो गया। इसका मैं जो बोल रहा हूं उसका नोटेशन आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है, नीरे गारे गारे नीरे गारे गारे नीरे गारे नीरे गारे गारे नीरे गारे गारे नीरे गारे, दोनों को मिला के देखते हैं। ये बज रहा है दो गुण में, अब इसको एक गुण में बजाएंगे। पानी सा नी सा पानी सा पानी सा नी सा। अब एक बार ध्यान से देखिए एक चीज को, पानी सा पानी, इसको मीन करके लाएंगे, कर्ण करके लाएंगे, पानी सा पानी सा पा नी सा नी सा रे सा, ऐसे बजाएंगे, पानी सा पानी सा नी सा पानी सा पानी सा नी सा। Thank you.
हो गया। नी रे गा रे गा नी रे गा नी रे गा रे गा। पा मा रे मा गा रे सा नी सा। पा मा रे मा गा रे सा नी सा। था श्री कृष्णा ट्यून, श्री कृष्णा की थीम ट्यून की एक ट्यूटोरियल, छोटा सा ट्यूटोरियल। ऐसा करता हूँ मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आप इसको समझ रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा डीप में जाएंगे, ये ट्यून राग यमन कल्याण से 80% तक मिलती जुलती है। राग यमन कल्याण को आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो ये ट्यून को आप और भी आसान से बजा पाएंगे। ये जानना चाहते हैं कल्याण राग क्या होता है तो इस वीडियो के टॉप कॉर्नर राइट साइड में एक आई बटन दिखाई दे रहा है, उसे क्लिक कीजिए। राग यमन कल्याण क्या होता है आपको दिखाई देगा। उसके बाद अभी दिखा रहा है और एक आई बटन, राग यमन क्या होता है उसे क्लिक कीजिए, वो दिखाई देगा। यमन और यमन कल्याण में क्या डिफरेंस है मैं पहले से वीडियो डाल चुका हूँ, बना चुका हूँ, आप उसे देखिए। राग को लेके प्रैक्टिस करने के लिए मैं वीडियो ऑलरेडी राग से मिलती जुलती वीडियो मैं मेरे वीडियो में डालता रहता हूँ, क्योंकि इसे आप प्रैक्टिस करने से आपका फिंगर का फ्लेक्सिबिलिटी, रागों के धुन, इसका सेंस आपको मालूम पड़ जाएगा। इसलिए हम क्लासिकल इसको प्रैक्टिस करते हैं, आप भी इसे प्रैक्टिस कीजिए। और आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से बोलिएगा, मैं आपकी डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं दूसरा एक सुंदर सा वीडियो में। तब तक मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।